क्लास को ज्वाइन करते करते काफी लोग जो हैं वो लेट हो जाते हैं। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोग अपना टाइम जो है वो निकाल कर आए हैं और इस डेमो क्लास को आप ले रहे हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन जो लोग मुझे रिस्पोंड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आवाज़ उन्हें बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, मैंने आप लोगों के ग्रुप के अंदर एक मैसेज सेंड किया था और ये जो डेमो क्लास है ये FIA PPSC और PMF GK का मैंने लिखा था। एक चीज जो मैंने मेंशन नहीं थी कीज के अंदर वो है CSS। ये जो सेशन है जो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है PPSC का, PMS जनरल नॉलेज का और FIA का, ये इनडायरेक्टली CSS की बेस बनाने वाला सेशन है। और CSS की बेस किस तरह इस सेशन से बनेगी वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उन सबको मैं सॉल्व करूंगा जो भी आपकी क्वेरीज हुई। ठीक है, और लास्ट टाइम भी एक डेमो लेक्चर हुआ था, मैंने एक एक दो टॉपिक्स को बताया था कि मैं किस तरह का पढ़ाता हूँ, वो भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो मैंने अपलोड की थी। आज वाली शायद मैं ना करूँ, मे बी मैं ना करूँ, क्योंकि काफी लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि आप ये अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो मैं मतलब कि वो लोग इसलिए क्लास नहीं लेते कि यूट्यूब के ऊपर आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं गूगल लाइसियम का आपको बताता चलूँ। गूगल लाइसियम एक ऑनलाइन एकेडमी है और कोई फिजिकल क्लासेस नहीं होती गूगल लाइसियम की। ठीक है, तो गूगल लाइसियम की सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, कोई फिजिकल क्लासेस नहीं होती। काफी लोग पूछते हैं कि आपकी फिजिकल क्लासेस कहाँ पे होती हैं, तो गूगल लाइसियम की कोई फिजिकल क्लासेस नहीं होती। CSS का एक बैच हो चुका है कंपल्सरी सब्जेक्ट का, ऑप्शनल उसका चल रहा है। 8 बैच हो चुकी हैं 1 पेपर के गूगल लाइसियम के। ठीक है, और 35+ स्टूडेंट्स का मेरे 1 पेपर क्लियर हुआ है। CSS का भी किसी का नहीं क्लियर हुआ क्योंकि 2022 के CSS की उन्होंने तैयारी की थी। CSS 2022 का बैच था तो 2022 के पेपर ही नहीं हुए, या उन लोगों ने अभी पेपर दिए ही नहीं है। ठीक है, 2022 आया ही नहीं है तो उनका रिजल्ट किस तरह आएगा। तो अपना मैं इंट्रोडक्शन करवाता चलो, शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन मैं करवाऊंगा। मेरा नाम उसामा रियाज है और मैं फाउंडर CEO गूगल लाइसियम का। मेरी जो बेसिक एजुकेशन है, जो एक डिग्री होती है, जो एक पीस ऑफ पेपर आपको मिलता है यूनिवर्सिटी से, वो मेरी BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर मेजर हॉर्टिकल्चर है। इसके अलावा मैं अजरबैजान स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा हुआ हूँ और अकेडमी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रेजिडेंट ऑफ अजरबैजान उससे भी मैं पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो अकेडमी का नाम कितना बड़ा है, ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है। तो बाहर यही होता है कि या तो वो स्कूल कहते हैं या अकेडमी का वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, अब ये जो अकेडमी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रेजिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान है, ये बेसिकली उनकी ब्यूरोक्रेसी का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे उनकी ब्यूरोक्रेसी को ट्रेन किया जाता है, यानी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोग आते हैं उन्हें वो ट्रेन करते हैं। इस तरह हमारे यहाँ पे है नेशनल स्कूल फॉर पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, लाहौर के अंदर अगर आप लोग जाएं तो गवर्नर हाउस के साथ ही है, HSN कॉलेज के साथ ही है नेशनल स्कूल फॉर पब्लिक पॉलिसी, जहाँ पे ग्रेड 19 के ग्रेड 18 के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन्हें ट्रेन करते हैं, उसके बाद फिर उनकी प्रमोशन होती है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। PPSC का आप सबको पता है PPSC क्या होता है? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे PPSC के एग्जाम्स का नहीं आइडिया, या नहीं पता कि PPSC के एग्जाम्स किस तरह की होती हैं वगैरह वगैरह? कोई है आप में से ऐसा स्टूडेंट, या सबको ही पता है कि PPSC क्या चीज़ है? उसके बाद फिर मैं FIA का भी बताता हूँ। एक दफा बता दें, मी नोट नो। ठीक है, मैं एक दफा PPSC का बता ही देता हूँ, इतना डिटेल आइडिया नहीं है सर, बता दें काइंडली। ठीक है, अभी 5-6 लोगों ने कहा है कि बता दें, नहीं पता। ठीक है, अभी आप लोगों ने गौर से सुनना है जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ। आप लोगों को पता है कि एक कंपनी होती है प्राइवेट, वहां पे एक इदारा होता है ह्यूमन रिसोर्स का, HR डिपार्टमेंट, जो उस प्राइवेट कंपनी में लोगों को हायर करता है, इंडक्ट करता है, रिक्रूट करता है। जिस तरह आप में से अगर कोई स्कूल्स वगैरह देखते होंगे प्राइवेट स्कूल्स, तो उसमें एक बंदा रखा होता है एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से, जो प्रिंसिपल के साथ मिलकर टीचर्स को हायर करता है, या यूनिवर्सिटीज के अंदर एक रजिस्ट्रार
ऑफिस होता है, वो जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार होता है वो बेसिकली एचआर डिपार्टमेंट होता है यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो उसी तरह ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, उसने लोगों को हायर करना है, इंडक्ट करना है, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमों में सीट्स आई हैं जी, सीट्स वैकेंसी खाली हैं, वैकेंसीज आई हैं, उन्हें फुलफिल करना है। तो पंजाब गवर्नमेंट किस तरह लोगों को हायर करे, या अपनी मर्जी से पकड़ ले कि फरहान नईम आप आ जाओ, मेहरुन निसा आप आ जाओ, ठीक है, जुनैरा आरिफ आपको रख लेते हैं, अब्दुल्ला आपको रख लेते हैं। अब उन्होंने कोई मैकेनिज्म रखना होता है, या कोई एक ऐसा इदारा होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो पंजाब गवर्नमेंट के बिहाफ पे लोगों को हायर करे, ठीक है। तो पंजाब गवर्नमेंट जो है, जो सूबाई हुकूमत है, उसकी जितनी भी सीट्स होती हैं, उन सीट्स के ऊपर लोगों को हायर करने के लिए, इंडक्ट करने के लिए पंजाब के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है पीपीएससी, जिसका नाम है पीपीएससी। पीपीएससी स्टैंड फॉर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का ये काम है कि पंजाब हुकूमत की जितनी भी सीट्स हैं, जो भी खाली होती हैं, उन सीट्स के ऊपर लोगों को हायर करना, इंडक्ट करना। अब इसका प्रोसेस यही होता है कि जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स भेजती हैं पीपीएससी को कि हमें ये इस पोस्ट के ऊपर जो है ना बंदे चाहिए। वो फिर एडवर्टाइजमेंट इशू करती है पीपीएससी। एडवर्टाइजमेंट जब पीपीएससी इशू करती है तो उसके बाद आप न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखते हैं, उनकी वेबसाइट पे देखते हैं। अब वो जो जॉब्स आती है ना, वो डिफरेंट सीट्स की होती हैं, डिफरेंट बेसिक पे स्केल्स की होती हैं। हर जॉब की अपनी अथॉरिटी होती है, हर जॉब का अपना एक स्कोप होता है। अब स्कोप कह लें, वर्ड यूज कर लें, एक पावर होती है हर जॉब की। जो होती है ना माइनर अथॉरिटी वाली जॉब्स, जिसके अंदर ज्यादा अथॉरिटी नहीं होती, उन जॉब्स की सिलेक्शन होती है एक ही पेपर से, जस्ट 100 मार्क्स का एमसीक्यू का एक पेपर, उसे कहते हैं वन पेपर एग्जाम। यानी कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें अथॉरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, बहुत कम अथॉरिटी होती है। तो उसके उस उन जॉब्स के लिए हम सिर्फ एक पेपर पीपीएससी कंडक्ट करवाता है, एक पेपर 100 एमसीक्यू का, उसे कहते हैं वन पेपर एग्जाम। सिर्फ एक पेपर होगा, 100 एमसीक्यू होंगे। अच्छा, ये जो वन पेपर एग्जाम है ना, ये दो तरह के होते हैं। एक वन पेपर एग्जाम होता है प्रोफेशनल सीट का, एक वन पेपर एग्जाम होता है जनरल सीट का, ठीक है। एक वन पेपर एग्जाम है प्रोफेशनल सीट का, एक वन पेपर एग्जाम है जनरल सीट का। अब ये प्रोफेशनल सीट और जनरल सीट में क्या फर्क है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस भी तो होना चाहिए प्रोफेशनल सीट और जनरल सीट में। जो प्रोफेशनल सीट है उससे मुराद ये होता है कि जो एडवर्टाइजमेंट है, मैं आपको एडवर्टाइजमेंट पे भी दो तीन दिखाऊंगा, फर्क भी बताऊंगा प्रोफेशनल सीट और जनरल सीट का, कि ये एडवर्टाइजमेंट में प्रोफेशनल सीट है या जनरल सीट है। जो प्रोफेशनल सीट होती है उसमें क्वालिफिकेशन में डिग्री मेंशन होती है कि हमें एमबीबीएस डिग्री चाहिए, हमें इस्लामियत की चाहिए, हमें फिजिक्स की चाहिए, हमें केमिस्ट्री की चाहिए, एग्रीकल्चर की चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर चाहिए। जब वो डिग्री मेंशन है, रेलिवेंट सब्जेक्ट मेंशन है, तो फिर वो प्रोफेशनल सीट का एग्जाम होगा। फिर उस एग्जाम को वही लोग दे सकते हैं, उसके लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास वो डिग्री है, जिनके पास वो रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर जो है वो उनके पास डिग्री है, ठीक है। उनके अलावा और कोई नहीं अप्लाई कर सकता। ये होती है प्रोफेशनल सीट। यानी एग्रीकल्चर ऑफिसर की सीट्स आई हैं, उन्होंने मेंशन कर दिया कि हमें एग्रीकल्चर की डिग्री चाहिए, तो इट मींस कि एग्रीकल्चर वाला ही अप्लाई कर सकता है। एक सीट वो आती है जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है बैचलर्स डिग्री रिकग्नाइज फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी या 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। जिस एडवर्टाइजमेंट के अंदर कोई डिग्री मेंशन नहीं होती, सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, सिर्फ ये मेंशन होता है कि लेवल ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, बैचलर्स है, मास्टर्स है, 16 ईयर्स है, 14 ईयर्स है। अगर तो सिर्फ ये लेवल ऑफ एजुकेशन मेंशन हो तो वो होती है जनरल सीट। जनरल सीट के अंदर हर कोई अप्लाई कर सकता है। अगर जस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन एडवर्टाइजमेंट में लिखा है, ठीक है, कि बैचलर्स चाहिए, मास्टर्स चाहिए, तो फिर हर कोई अप्लाई कर सकता है। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री फिजिक्स की,
जूलॉजी की, बॉटनी की, अब लेक्चरर की सीट्स नहीं आती बार बार। वो मुझसे पूछती हैं कि सर हम कहाँ पे जाएं, कहाँ पे अप्लाई करें, किस में अप्लाई करें। एग्रीकल्चर वाले पूछते हैं, फिजिक्स वाले पूछते हैं कि कहाँ पे अप्लाई करें। फिजिक्स की तो सीट्स इतनी नहीं आती, आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट्स की सीट्स नहीं आती, प्रोफेशनल सीट्स बहुत थोड़ी आती हैं। तो जो जनरल सीट्स होती हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है। तो जनरल सीट्स में आप सारे अप्लाई कर सकते हैं, बेशक आपके पास डिग्री फिजिक्स की है, बॉटनी की है, जोलॉजी की है, कोई भी डिग्री है, आप जनरल सीट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी डिग्री की सीट तक रहे महदूद, तो फिर तो आपको मिल गई जॉब, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो क्लास है, जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, वो आपकी डिग्री कितनी ज़्यादा ऑफर करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपने ओवरऑल तैयारी करनी होती है, ताकि आपकी अपनी डिग्री से रेलिवेंट भी तैयारी हो, और उसके अलावा जितनी भी जनरल सीट्स हैं उसके लिए भी आप लोग रेडी हों। ठीक है, अब जनरल सीट और प्रोफेशनल सीट का जो टेस्ट होता है उसके सिलेबस में भी फर्क होता है। जो प्रोफेशनल सीट होती है उसमें 50 to 80% आता है आपकी डिग्री में से, और प्रोफेशनल सीट में 20 to 50% आता है जनरल नॉलेज का, जीके का, और जीके एक सब्जेक्ट नहीं है। जो जनरल सीट है, ठीक है, जो जनरल सीट है उसमें 100 out of 100 MCQs आने हैं जीके के। जनरल सीट में ना तो केमिस्ट्री से पूछना है, ना फिजिक्स से पूछना है, ना बॉटनी से पूछना है। उन्होंने 100 out of 100 जो MCQs पूछने हैं वो उन्होंने जीके के पूछने हैं। ठीक है, तो वन पेपर एग्जाम जो है वो आपके पास दो तरह का होता है, एक तो आपकी डिग्री की अपॉर्चुनिटी जो आपकी डिग्री आपको देती है 4 साल के बाद, और एक आपके पास जनरल अपॉर्चुनिटी जो डिफरेंट फील्ड्स में आती है। मैं अभी इसको कंप्लीट कर लूँ फिर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा के, तो 1 मिनट में डिफरेंस भी बता देता हूँ। ये जो वन पेपर एग्जाम होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल होती है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी अगर आपका ए गलत हो जाता है तो आपके जो ठीक हुए हैं उनमें से 0.25 जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव मार्किंग जो है होती है, लाजमी होती है, क्यों नहीं होती। अच्छा, अगर कुछ जॉब्स होती हैं वो थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल होती हैं, उनमें अथॉरिटी ज्यादा होती है, उन जॉब में, उन जॉब्स के लिए होता है रिटन एग्जाम। यानी कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें अथॉरिटी होती है, तहसीलदार की जॉब आई थी, ठीक है, तहसीलदार की जॉब आई थी, तहसीलदार की जॉब के लिए उन्होंने 2 पेपर कहे थे। जब भी एग्जाम 2 या 2 से ज्यादा पेपर्स के ऊपर मुश्तमिल होगा उसे कहेंगे रिटन एग्जाम। अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की जॉब आई थी, उसमें 4 एग्जाम्स थे। जब भी ये 2 या 2 से ज्यादा एग्जाम्स वाली बात आएगी उसमें याद रखना है कि एक पेपर 100 मार्क्स का लाजमी जीके का होगा। जीके एक ऐसी चीज है कि जिसने आपकी जान नहीं छोड़नी। आप प्रोफेशनल सीट में अप्लाई करें, आप जनरल सीट में अप्लाई करें, जीके मस्ट है। आप पीएमएस के अंदर, अभी पीएमएस की भी बारी आएगी, जीके मस्ट है। ठीक है, रिटन एग्जाम में अगर 2 पेपर है, फॉर एग्जाम्पल तहसीलदार के 2 पेपर होंगे, एक 100 मार्क्स का इंग्लिश का है और एक 100 मार्क्स का जीके का है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 4 हैं पेपर, 100 मार्क्स का इंग्लिश का है, 100 मार्क्स का उर्दू का है, 100 मार्क्स का कोऑपरेटिव लॉज का है, और 100 मार्क्स का जो है वो जीके का है। तो जीके जो है ये मस्ट है। जीके एक ऐसी चीज है कि जो आपको करनी करनी है। फिर अगले आगे आ जाता है जी पीएमएस। पीएमएस क्या होता है? अंग्रेजों ने ना एक हमें सिस्टम दे दिया ब्यूरोक्रेसी का, अपने मुल्क में वैसा सिस्टम नहीं है उनके, तो एक सिस्टम वो यहाँ पे छोड़ के गए हैं। 1858 में उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो पीएमएस जो है वो एक ब्यूरोक्रेसी का नाम है, ये प्रोविंशियल लेवल पे होती है। ठीक है, अच्छा, ये जो पीएमएस है ये इम्पोर्टेंट अब क्यों हो गया है? 2010 में 18th अमेंडमेंट पास हुई थी पाकिस्तान में, यानी 18th अमेंडमेंट जो थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गई थी अप्रैल 2010 में। 18th अमेंडमेंट के बाद जो कॉन्करेंट लिस्ट थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो खत्म हो गई है, और जो कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स थे 17 वो मिल गए हैं सूबों को। कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स क्या होती हैं कि ऐसे डिपार्टमेंट्स जो फेडरल गवर्नमेंट भी पहले रन करती थी
और जो सूबाई हुकूमत भी रन करती थी, जिस तरह एजुकेशन है, पहले आपके पास वफाकी वजीर बराए एजुकेशन भी था, आपके पास सूबाई वजीर बराए एजुकेशन भी था, ठीक है, आपके पास पहले फेडरल मिनिस्टर फॉर हेल्थ भी था, सूबाई मिनिस्टर फॉर हेल्थ भी था, इसी तरह स्पोर्ट्स का था, इसी तरह टूरिज्म का था, ठीक है। तो 17 डिपार्टमेंट्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट से आगे हैं सिर्फ और सिर्फ सूबों के पास। तो कॉन्करेंट लिस्ट खत्म होने के बाद 17 जो सब्जेक्ट्स थे, 17 जो डिपार्टमेंट्स थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अपने जो इमरानी मुआहदा है उसमें हमने सूबों को दे दिए हैं 2010 में, जब सूबों को 17 मुख्तलिफ नई वजारतें मिल गई और फुल कंट्रोल मिल गया इनके ऊपर, ठीक है। जब 17 नई वजारतें मिल गई सूबों को, तो सूबों को अब चाहिए था प्रोविंशियल लेवल पे स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। पहले सिर्फ सीएसएस जो था वो पावरफुल होता था, पीसीएस इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी। तो 2010 से फिर जो सूबाई ब्यूरोक्रेसी थी उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई, तो फिर पीएमएस जो था ये लॉन्च किया गया, पीसीएस को चेंज कर दिया पीएमएस में। तो पीएमएस स्टैंड फॉर प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। पीएमएस भी सीएसएस की तरह 1200 मार्क्स का होता है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। मैं 1 जुलाई को मैंने सीएसएस के ऊपर एक सेमिनार रखना है, उसमें मैं पीएमएस और सीएसएस का डिफरेंस बता दूंगा, उसको डिटेल में मैं बताऊंगा पीएमएस और सीएसएस के सब्जेक्ट्स का और ये सारी चीजों का। तो पीएमएस के अंदर भी 100 मार्क्स का जीके का पेपर होता है, इसमें भी 100 मार्क्स का जीके का जो है वो पेपर होता है पीएमएस में भी, यानी जीके आपका यहाँ भी होगा लाजमी। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन है जी, एजुकेशन मिनिस्टर तो अभी है, ऐसे ही है। देखें, हमारा जो ये जो 18th अमेंडमेंट थी ना, इसमें थोड़ी खराबियां भी थी। वो जो एजुकेशन मिनिस्टर है शफकत महमूद साहब, वो सिर्फ और सिर्फ कंसेंसस क्रिएट करने के लिए है, ठीक है, या जो करिकुलम है वो क्रिएट करने के लिए है। उनके पास जो इख्तियारात हैं वो ये नहीं है कि वो पंजाब के किसी लेक्चरार को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, या वो किसी सेक्रेटरी को भी जो है ना इधर उधर भेज सकते हैं। उनके पास जो इख्तियारात है ना वो बड़े लिमिटेड है शफकत महमूद। एक उनके पास इख्तियार है कि जितने भी फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनके दरमियान इतफाक़ी राय पैदा करना, और दूसरा इख्तियार है करिकुलम का, ठीक है, नेशनल करिकुलम का, सिलेबस का आपका, कि जो सिलेबस है वो ये ना हो कि 7th क्लास के स्टूडेंट्स एक सूबे के अंदर जो है एक खास पॉलिटिकल लीडरशिप को पढ़ रहे हो, और ये पिछले साल केस भी रिपोर्ट हुआ था 2 साल पहले, सॉरी। तो शफकत महमूद वो पावरफुल शफकत महमूद नहीं है जो पहले सरदार आसिफ था या कोई और पावरफुल एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। तो एक लंबी डिबेट है, आगे टॉपिक की तरफ आए, मीटिंग की तरफ। अच्छा, ये जो सेशन है जो मैं 1 जुलाई से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बेसिकली जीके का सेक्शन है, और इससे आपकी क्या क्या तैयारी होगी। सबसे पहले इस सेशन से आपकी जो तैयारी होगी वो इन सब चीजों की होगी, यानी जहां जहां पे जनरल नॉलेज के कंटेंट्स आएंगे वो प्रोफेशनल सीट हो, प्रोफेशनल सीट की आपकी 20-50% पेपर की तैयारी होगी, और जो जनरल सीट है उसकी 100 out of 100 तैयारी होगी। रिटन एग्जाम तहसीलदार का या किसी का भी है उसकी आपकी मुकम्मल तैयारी होगी। उसके अलावा पीएमएस का जो जीके का सब्जेक्ट है उसके 100 मार्क्स की तैयारी होगी, जो पीएमएस का पाकिस्तान स्टडीज का उसकी तैयारी हो जाएगी, इस्लामियात की तैयारी हो जाएगी साथ ही। यानी पीएमएस के आपके तक कम से कम 200 से 300 मार्क्स की सेशन से तैयारी होगी, कम से कम 200 से 300 मार्क्स की आपकी पीएमएस में ये सेशन हेल्प करेगा, ठीक है। इसी तरह सीएसएस के अंदर आपको करंट अफेयर्स के एमसीक्यू 20 मार्क्स के, इस्लामियात के 20 मार्क्स के, ठीक है। इसके अलावा जो जनरल सेंसिबिलिटी के 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, 60 नंबर हो गए। मेरी आवाज आ रही है, सबको काइंडली बता दें। मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल ठीक सबको जी? ठीक है, जी ठीक है। मैं अब दोबारा बोलता हूँ, एक इशू थोड़ा सा आ गया था, ठीक है, अभी मैंने डिस्कस किया तो आप सबने वो करने लग जाना। अच्छा, तो अभी मैं
अटक रही है, अब ठीक हुई है निमरा बास, अब ठीक हुई है। जी ठीक है। अच्छा सीएसएस के भी आपके 142-160 मार्क्स के जो एमसीक्यूज हैं उसकी तैयारी होगी सेशन से। सॉरी वो अभी दोबारा, अब आवाज ठीक आ रही है मेरी? अब मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको? जी ठीक है, मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली किसी को थोड़ा सा जो है वो इशू हो रहा है। अच्छा ये सेशन की डिटेल्स जो है मैं बाद में जाता हूँ, इसके कंटेंट्स के ऊपर पहले मैं डिस्कस करता हूँ। जो पीपीएससी वन पेपर के अंदर जो जीके आता है, बेशक वो आपके पास 20 MCQs आए, बेशक आपके पास 100 MCQs आए, वो कहाँ से आते हैं? यानी क्या चीजें जो है वो आपको रेडी करनी है कि जहां से वो एमसीक्यूज जो आपका 70-80% जो पोर्शन है वो कवर करे। ठीक है, पाकिस्तान स्टडीज से आते हैं और मैं आपको डिटेल से करवाऊंगा। कल आपने एमओडी का, अगर आप में से किसी ने पेपर दिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान स्टडीज में से कितने आए हैं, कोई 30-40 तो आए हैं पाकिस्तान स्टडीज से। ये इंशाल्लाह डिटेल से मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, 30-40 मतलब 40% पेपर जो था वो पाकिस्तान स्टडीज से था कल। इस्लामिक स्टडीज इस सेशन में होगी और ये कंटेंट भी है पीपीएससी वन पेपर का। ठीक है, अगर आपने प्रोफेशनल सीट का एग्जाम देना है तो पाकिस्तान स्टडीज से 2 आते हैं, इस्लामिया से 1 आएगा। करंट अफेयर्स कल 20-30 जो है करंट अफेयर्स से कल आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। और मेरे अगर पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दिया था, ठीक है, तो वो जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कल पेपर दिया है तो उन्हें पता होगा। ठीक है, उन्हें पता होगा कि जो मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स दिए उसमें से ही वो सारे सारे क्वेश्चंस आए। ठीक है, ये मैं गारंटी देता हूँ कि उसी में से सारे क्वेश्चंस आए। फिर जियोग्राफी, जियोग्राफी में से 30-40 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और जियोग्राफी जो है ये बहुत वास्ट है, सबसे ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट जो है, सबसे ज्यादा जो वसी सब्जेक्ट है, जो डाइवर्सिटी है वो जियोग्राफी में है। मेरे पास एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया ये परसों कि आप वर्ल्ड मैप करवाएंगे, तो वर्ल्ड मैप तो पहली चीज होती है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाता हूँ। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप तो पहली चीज होती है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को फिंगर टिप्स के ऊपर करवाता हूँ और अच्छी तरह करवाता हूँ। तो वर्ल्ड मैप तो मेरे स्टूडेंट्स की फिंगर टिप्स के ऊपर होता है। ठीक है, फिंगर टिप्स के ऊपर जो आप में से सेशन ज्वाइन करेंगे फिंगर टिप्स के ऊपर वर्ल्ड मैप होगा। अच्छा, जो जनरल साइंस एबिलिटी के लोग हैं ना इस क्लास में, मैं उन्हें पहले क्लियर करता हूँ, जनरल साइंस एबिलिटी फ्री है, उसका इस सेशन से कोई लेना देना नहीं, ये अलहदा सेशन है। ठीक है, तो ये ना समझिएगा जनरल साइंस की फी है, वो फ्री ही है, इस सेशन का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस सेशन, ये सेशन सेपरेट है। ठीक है, ये सेशन जो है ये सेपरेट है। तो आगे कौन से कंटेंट्स हैं जी जिसमें से पेपर आता है? इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें से भी पेपर आता है। इंग्लिश और उर्दू का मैं आपको क्लियर करता चलूं, मैंने इंग्लिश और उर्दू कंप्लीट, मतलब आप कहें कि इंग्लिश के मैं टेंसेस करवाऊंगा आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाऊंगा, तो वो मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट या टेंसेस या करेक्शन आपको डिटेल से नहीं करवानी। जिन चीजों से पेपर आता है या जिन चीजों से पेपर आएगा, ठीक है, वो मैं आपको करवाऊंगा, बकायदा टेस्ट होंगे। पिछले सेशन के मैं टेस्ट जो है ड्यूरिंग सेशन अच्छी तरह नहीं ले सका, गैप आ गया, लेकिन इंशाल्लाह आज या कल दोबारा स्केड्यूल बना के उनके साथ मैंने शेयर करना है। बेशक वो सेशन खत्म हो गया लेकिन उनके टेस्ट जो है मैंने अभी लेने हैं, तो ये मैं आपको पहले मतलब बताता चलूं। लेकिन आपका जो बैच है इंशाल्लाह उसके डेली टेस्ट होंगे, जो पिछला बैच और आपका बैच है उसके जो टेस्ट होंगे वो इकट्ठे ही होंगे। तो
तो वो डेली ही होंगे, ठीक है, उनके भी डेली हो जाएंगे, आपके भी उन इन, अब ये मतलब नहीं है कि उनके टेस्ट बिल्कुल भी नहीं हुए, उनके टेस्ट हुए थे, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा गैप आ गया था। पीएमएस जनरल नॉलेज के क्या कंटेंट्स होते हैं, यानी जो आप में से पीएमएस के एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, जो पीएमएस के एस्पिरेंट्स हैं और जनरल नॉलेज का जो पेपर है वो कहाँ से आता है? करंट अफेयर्स, वही करंट अफेयर्स जो आपके सीएसएस में है, वही करंट अफेयर्स जो पीपीएससी वन पेपर में है, फिजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, फूड साइंसेस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक मैथमेटिक्स, ये सारा कुछ मैं आपको करवाऊंगा इस सेशन में, ये सारी चीजें इस सेशन में होंगी, ठीक है। फिर जनरल, जनरल से मुराद होता है डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, या कोई भी जनरल चीज, कुछ भी पूछ सकता है जनरल के अंदर, कुछ भी जनरल चीज वो पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो मैं आपको करवाऊंगा। अच्छा, ये सेशन का ड्यूरेशन कितना है? ये जो सेशन है पीपीएससी वन पेपर का, पीएमएस जनरल नॉलेज का, या एफआईए जॉब, एफआईए का और इस सब में क्या, एफआईए के कंटेंट्स मैं अब आपको बताता हूँ, जो आप में से एफआईए के लिए जिन लोगों ने ज्वाइन किया, एफआईए के अंदर पाकिस्तान स्टडीज भी है, एफआईए के टेस्ट में इस्लामिक स्टडीज भी है, करंट अफेयर्स भी है, जियोग्राफी भी है, ठीक है। एफआईए के टेस्ट में इंग्लिश भी है, एवरीडे साइंस भी है, बेसिक मैथमेटिक्स एहतियाती तौर पे आपने करनी है, प्लस एफआईए एक्ट, ये भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। एफआईए एक्ट, ये भी एफआईए वालों को और बाकियों को भी मैं करवाऊंगा। इस सेशन का खास बात यह है कि इस सेशन को लेने से आपकी हर तरह की तैयारी होगी, बाकी के एडमिस की तरह नहीं होगा। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं जो 20-20, 25-25 हज़ार दे के मेरे पास आते हैं, यानी वो 20-20 हज़ार दे देते हैं इस खुशी में कि वो अकेडमी हमें घोल के पिलाएगी, और वो अकेडमी वाले एक नोट्स पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि बेटा खुद ही पढ़ लेना, ठीक है। तो बहुत से मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जिनका बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है अकेडमीज का, ठीक है। तो अकेडमीज, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो ये फी है, यानी ये फी बनती है एफएससी के एक सब्जेक्ट के बराबर, 2 माह का सेशन है, 2 मंथ्स का सेशन है, टोटल फीस है 3,000, 1 माह की फीस बनती है 1,500, ठीक है। 1,500 जो है वो फीस बनेगी 1 महीने की। मैं फिर रिपीट करता चलो, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सेशन फ्री है, उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अभी ये जो कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आपने तो फ्री बोला था, उनको मैं बताता चलूं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सेशन फ्री ही है, उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मैंने मेंशन भी किया था डेमो क्लास फॉर पीपीएससी वन पेपर, एफआईए जॉब्स और पीएमएस जीके। दूसरा, एग्रीकल्चर वाले जो हैं, एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है, जो एग्रीकल्चर का सेशन है, वो सेपरेट है और वो फ्री ही है, उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। एग्रीकल्चर का इस सेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, जनरल साइंस एबिलिटी का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो दोनों का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये एक सेपरेट सेशन है जो आपको सीएसएस की बेस बनाएगा, और सीएसएस के अंदर जो एमसीक्यूज होते हैं ना, जो पास होता है स्टूडेंट या जो फेल होता है, उसमें जो फर्क होता है ना, वो ये होता है कि जो बंदा फेल हो रहा होता है ना, वो एमसीक्यू उसके ऊपर फोकस नहीं करता, वो रटे मार रहा होता है, समझता नहीं है, एनालिसिस नहीं अपना डेवलप करता। जो एक स्टूडेंट पास होता है सीएसएस में और अच्छे मार्क्स से होता है, वो एमसीक्यू उसको भी साथ साथ कर रहा होता है। ये जो सीएसएस के अंदर 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं ना, इसमें अगर आपके 18 भी आ जाए तो आपकी पोजीशन टॉप 20 में आती है। जो टॉपर्स होते हैं वो एमसीक्यूज लाजमी करते हैं साथ साथ तैयार, जो फेल होने वाले होते हैं उनका एमसीक्यू से कोई लेना देना नहीं होता, वो एमसीक्यू की इंपॉर्टेंस को ही नहीं समझते, ठीक है, वो एमसीक्यू को कुछ समझती नहीं है। तो ये सेशन 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। इसकी जो क्लास टाइमिंग है वो रात 9 बजे से 11 बजे की होगी, ठीक है, और डेली टेस्ट होगा इंशाल्लाह आपका,
डेली जो है वो टेस्ट होगा, ठीक है। लेक्चर्स की स्लाइड्स मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा, रेगुलरली लेक्चर्स होंगे। लेक्चर्स की स्लाइड मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा, लेकिन डिफरेंट बुक से मटेरियल नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। देखें जो एग्रीकल्चर का सेशन है उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, उसकी टाइमिंग और होगी, इसकी टाइमिंग और होगी, जनरल साइंस एबिलिटी की टाइमिंग और होगी। जो टेस्ट होंगे गूगल फॉर्म्स पे होंगे, मैं आपको एक डेमो टेस्ट भी सेंड करता हूँ कि टेस्ट किस तरह का होगा, ठीक है। कंप्लीट सेशन फीस 3,000 है, यानी 2 माह की टोटल फीस 3,000 है। ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे जिस तरह अभी हो रहा है जूम के ऊपर, और अभी मैं एक डेमो लेक्चर भी आपको देता हूँ, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा मैं पढ़ाता किस तरह का हूँ। 1 जुलाई से ये सेशन होगा, ठीक है। अब आप लोगों ने एक स्क्रीनशॉट लेना है, अभी मैं आपको नंबर दिखाता हूँ। तो जो लोग इंटरेस्टेड हुए डेमो क्लास के बाद, ठीक है, वो ये नंबर नोट कर लें। व्हाट्सएप के ऊपर आपने फी डिटेल्स के लिए आपने मैसेज कर देना है, बैंक हबीब बैंक के अंदर ही आपने फी सबमिट करवानी है। आप लोग ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए भी फी सबमिट करवा सकते हैं HBL अकाउंट में, ठीक है। तो वो आपने जो लोग हुए इंटरेस्ट लेने वाले, जिन्हें वाकई जो है वो भी तैयारी करनी है अच्छे से, तो वो मैसेज करके तो वो हबीब बैंक का अकाउंट नंबर मुझसे ले सकते हैं जिन्होंने फीस सबमिट करवानी हुई, ठीक है। बाकी अभी कोई 11-12 लोग जो है रजिस्टर हो चुके हैं और 11-12 ही रह गए हैं। क्लासेस जो हैं ये 4 डेज अ वीक होंगी, मंडे टू थर्सडे। और ये सेशन जो है ये 2 माह से मैं 3 माह का भी कर सकता हूँ, अगर मुझे तसल्ली ना हुई तो मैं 2 माह से 3 माह भी कर सकता हूँ। इंशाल्लाह 2 माह के अंदर आपको अच्छी से तैयारी हो जाएगी। तो सेशन जो है, पिछला जो मेरा सेशन था रमजान बैच में, पता होगा वो 1 माह का सेशन था, लेकिन वो 2 माह चला था क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं थी हुई, ठीक है। तो मेरी जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन है वो मेरे लिए ज्यादा मैटर करती है, वो एक्सटेंड मैं खुद ही कर देता हूँ सेशन को, अगर मैं खुद जो है सेटिस्फाई ना हूँ कि अभी चीजें और रहती हैं तो मैं खुद ही कर देता हूँ। अभी मैं आपको एक डेमो लेक्चर देता हूँ कि मैं पढ़ाता किस तरह का। मैं एक प्रेजेंटेशन ओपन कर लूँ, एक मिनट दें बस मैं स्लाइड ओपन कर लूँ, छोटा सा टॉपिक देता हूँ ताकि बाद में आपके क्वेश्चन आंसर देने, क्योंकि 9 बजे मैंने यूरोपियन हिस्ट्री को भी पढ़ाना है। आप सबको ये स्लाइड बिल्कुल ठीक नजर आ रही है? आप सबको ये स्लाइड बिल्कुल ठीक नजर आ रही है? जी ठीक है, जी ठीक है। तो जो मैं आपको डेमो लेक्चर देने लगा हूँ, लास्ट टाइम मैंने किसी और टॉपिक के ऊपर दिया था, लास्ट टाइम मैंने एक दो फिलोसफर्स का बताया था कि मैं किस तरह पढ़ाता हूँ, और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा बाउंड्रीज का बता दिया था कि मैं किस तरह क्वेश्चंस बना बना आगे आपको बताता हूँ कि इस डायमेंशन में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको 360 डिग्री के एंगल से पढ़ाना होता है कि हर डायमेंशन से जो भी क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है किसी भी तरह से, वो आपको मैं अच्छी तरह बताऊँ। ये नहीं कि आपको जो है वो एक तरह से मतलब ये लिखा हुआ है लफ्ज तो इसको जो है रटा मार लो, इस तरह नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं उसके ऊपर आता हूँ। तो सिर्फ अच्छा, मैं जो आपको टॉपिक करवाने लगा वो है वार ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 के अंदर एक हुई थी जंग। अब ये जो 1857 के अंदर वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है, इसके पहले बैकग्राउंड की तरफ हम चलते हैं। क्या वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो अचानक ही हो गई थी, जिसे आप वार ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ते आए हैं सारी जिंदगी, ठीक है? क्या ये एक ही दिन के अंदर सारे के सारी चीज हो गई थी, एक ही दिन के अंदर ये एक्टिविटी हो गई थी, या इसके अंदर
काफी सालों का जो था गुस्सा था। देखिए जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 हम जिस इवेंट को कहते हैं, ये कोई एक आध दिन का या एक हफ्ते का एक महीने की बात नहीं थी, ये सालों साल की एक चीज थी जो लोगों के अंदर भरी हुई थी और वो एकदम निकली। ठीक है, लोगों का जो गुस्सा था वो निकला। अब एक स्पार्क जो है ना वो बन जाता होता है, एक चिंगारी बन जाती है जो गन पाउडर का जो ऑयल को जो तेल को आग लगा देती है, सिर्फ एक चिंगारी चाहिए होती है। तो जो लोग थे बड़े सगीर के, उनके दिमागों में उनके अंदर भी एक बारूद जो था वो बन रहा था कई सालों से, जिसे एक छोटी सी चिंगारी मिली और वो बारूद फट गया और ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई। अब मैं जब आपको पढ़ाऊंगा डिटेल से तो मैं आपको बताऊंगा पिछले इवेंट्स ज्यादा अच्छी तरह। मैं आपको इन शॉर्ट बताता चलूं कि आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1757 में बंगाल के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट किया। ठीक है, और जब उन्होंने बंगाल के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट किया तो उसके बाद उन्होंने साथ वाली छोटी छोटी स्टेट्स के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, जंगें की और सारा कुछ हुआ। ठीक है, अब एक डॉक्ट्राइन आई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से थी, इसके अंदर क्या था कि जो भी बड़े सगीर के अंदर छोटी स्टेट्स हैं, उनके जो महाराजा राजा हैं, उनके जो आगे वारिस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ उनके नेचुरल जो बेटे होंगे या उनके जो बायोलॉजिकल बेटे होंगे वही बन सकते हैं, अडॉप्टेड नहीं बन सकते। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये अपनी फैसिलिटी के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से इंट्रोड्यूस करवाई थी और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से की वजह से इन्होंने कई स्टेट्स के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर दी, यानी उनके राजा महाराजा के जो बायोलॉजिकल सन्स थे उनको मार के। तो अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी उन स्टेट्स के ऊपर कब्जा कर रही थी। ठीक है, अब 1857 के अंदर ये मैंने लिखा भी हुआ है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से, ठीक है, इस स्लाइड के अंदर मैंने मेंशन भी किया हुआ, 1848 के अंदर आया था ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से। के बाद एक लावा जो था डिफरेंट छोटी छोटी स्टेट्स में फल फूल रहा था। 1857 के अंदर क्या होता है कि एक इवेंट होता है जो ये सारे के सारे लावे को आग लगाता है। 1857 के अंदर नई राइफल कैटरेजेस आती हैं। पहले क्या होता था, जो पहले जमाने में बंदूकें होती थी उसमें आजकल की तरह गोलियां नहीं थी डलती, उन बंदूकों के अंदर पहले गन पाउडर को लोड किया जाता था और उन गन पाउडर के ऊपर फिर एक शरला होता था लोहे का, जिस मर्जी मेटल का, उसको डाला जाता था और फिर उसको ट्रिगर दबा के चलाया जाता था। अब जो गन पाउडर होता था जो गन में डालते थे वो एक स्पेशल, एक कह लें कि चर्बी के बने हुए पाउच में होता था। जो ये कैटरेज होती थी जिसके अंदर गन पाउडर होता था वो फैट से बना होता था, और जब आप एक इतने बड़े लेवल के ऊपर आपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करनी होती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर आपको मास लेवल के ऊपर एक खाम माल चाहिए होता है, तो इसी तरह ही जब आपने लाखों करोड़ों की तादाद में गोलियां बनानी है तो आपको उसी हिसाब से चर्बी चाहिए। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो ब्रिटिश कंपनीज थी जो दूसरी ब्रिटेन में बैठ के कैटरेज सप्लाई करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उन्होंने चर्बी से नई गोलियां बनानी थी, वो पाउच बनाने थे गन पाउडर के। अब ये जो फैट यूज करनी थी इसके बारे में अफवाहें फैल गई ब्रिटिश इंडिया के अंदर, यानी जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो मेजोरिटी थे फौजी वो तो लोकल्स ही थे, और लोकल्स में कौन से, हिंदू और मुस्लिम्स। तो हिंदुओं के लिए जो चर्बी है गाय की उसको वो मुंह में नहीं डाल सकते, और जो मुसलमान है वो सुअर की चर्बी को मुंह में नहीं डाल सकते। तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर तब भी अफवाहें फैली जिस तरह आजकल फैलती हैं, तब ये अफवाह फैल गई कि ये जो हम गन पाउडर का जो पाउच जो कैटरीज है जो हम मुंह से खोलते हैं ये गाय की चर्बी से बना है, कोई कहे ये सुअर की चर्बी से बना है। तो जब आप इतने बड़े लेवल के ऊपर चर्बी को यूज करते हैं तो आप इस सेंस को भूल जाते हैं कि मैंने गाय की चर्बी से गोलियां
बनाने वाली कैटरिज को बनाना है सूअर, आपको सिर्फ और सिर्फ चर्बी चाहिए होती है, तो एक नेचुरल सी चीज थी कि वो हर तरह की चर्बी यूज हुई होगी उस टाइम पे, ठीक है। अब ये जो राइफल कैटरिजेस थी, इन्हें मुंह में डाल के खोलना पड़ता था, गन पाउडर को हासिल करने के लिए इन्हें मुंह में डालते थे, खोलते थे। अब सबसे पहले बैरकपुर के अंदर मंगल पांडे नामी एक सिपाही ने बगावत कर दी, तो मंगल पांडे ने सबसे पहले मना कर दिया कि मैं इस कैटरिज को यूज नहीं करूंगा, और उसको जो है पनिश किया उन्होंने। मंगल पांडे को जो पनिश किया, तो फिर मीरठ छोनी के अंदर 10 मई 1857 को जो सिपाही थे उन्होंने बगावत स्टार्ट कर दी। इसीलिए अंग्रेज 1857 की जिस इवेंट को वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, अंग्रेज इसे कहते हैं सिपोही म्यूटनी, अंग्रेज इसे सिपाहियों की बगावत का नाम देते हैं, क्योंकि 10 मई 1857 को जो ब्रिटिश इंडियन जो ब्रिटिश इंडिया की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्सेस थी उनके सिपाहियों ने बगावत की थी। जब ये सिपाहियों ने बगावत की मीरठ में 8 मई 1857 को, तो ये सिपाही जो थे मीरठ में लूटमार करते हुए और अंग्रेजों को मारते मराते ये दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली के ऊपर इन्होंने कब्जा किया। जब इन्होंने दिल्ली के ऊपर कब्जा किया, तो बाकी भी जो बंगाल और ओध के अंदर जो दूसरी छोनियां थी, तो वहां पे भी फौजियों ने बगावत कर दी, ठीक है। और दिल्ली जाके इन्होंने बहादुर शाह जफर का जो किला था, लाल किला, रेड फोर्ट, वहां पे कब्जा किया, और बहादुर शाह जफर को इस चीज के ऊपर बाय फोर्स मनाया कि आप हमारे इस बगावत की जो है वो सरबराही करें, ठीक है। बहादुर शाह जफर को उन्होंने कहा कि लीड करो हमें, आप हमारे रहनुमा हैं। तो बाय फोर्स जो था बहादुर शाह जफर को, जो आखिरी मुगल एम्परर हैं, उन्हें मनाया गया कि जी आप हमें लीड करें। अच्छा, अब ये जो स्पॉय म्यूटनी थी, इसके अंदर जो लोकल रूलर्स थे वो भी शामिल हो गए, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी के डसे हुए थे, जिसमें रानी ऑफ झांसी, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी की वजह से रानी ऑफ झांसी की जो स्टेट थी, ठीक है, झांसी की जो स्टेट थी वो अंग्रेजों ने कब्जे में ले ली थी। तो लक्ष्मीबाई जो थी रानी ऑफ झांसी, ठीक है, अब ये रानी जो झांसी है ये कहाँ पे थी, बुंदेलखंड के अंदर थी। बुंदेलखंड आजकल जो है वो यूपी में आता है, ठीक है। तो लक्ष्मीबाई ने बगावत में हिस्सा लिया सिपाहियों के साथ, बिहार में कुंवर सिंह ने लिया। ये एमसीक्यू आता है कि बिहार के अंदर कौन वार ऑफ इंडिपेंडेंस को लीड कर रहा था, यूपी के अंदर कौन लीड कर रहा था। तो यूपी के अंदर तब यूनाइटेड प्रोविंसेस था यूपी, तो यूपी के अंदर नाना साहिब थे, जो सीपी थी सूबा, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंसेस, इसमें तांतिया टोपे थे। ये एमसीक्यूज इसमें से आता है कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब स्टार्ट हुई, 10 मई 1857 को, ये एमसीक्यू आ चुका है, ठीक है। और इसे कौन नेशनल लेवल पे या पूरे इंडिया के लेवल पे लीड कर रहा था, बहादुर शाह जफर। और अगर स्टेट्स का नाम आ जाए तो फिर आपने इन बंदों के नाम याद रखने हैं। फिर इसके अलावा और कौन था इसके अंदर, ओध की जो रियासत थी, तो ओध की जो रियासत थी उसमें से जो ओध की नवाब की जो बेगम थी, बेगम हजरत महल, ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब ओध की जो बेगम थी उन्हें क्यों जरूरत पड़ी इस 1857 की स्पॉय म्यूटनी में पार्टिसिपेट करने की, वो इसलिए कि 1856 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओध को इस जुर्म के अंदर अपना पार्ट बना लिया, या अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज थी उसका हिस्सा बना लिया, कि जी ओध के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेल हो चुकी है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, लोगों को जो है फैसिलिटीज नहीं मिल रही, तो ओध को हम अपना जो है वो अपनी टेरिटरी का पार्ट बनाते हैं। पंजाब के अंदर आए अहमद खान खरम ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी, जो स्पॉय म्यूटनी थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी आसानी से बड़े आराम से कुचल दी। उसकी एक रीजन तो सबसे पहले ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कम्युनिकेशन के जो जराए थे बहुत अच्छे थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उस टाइम पे रेलगाड़ी भी थी, यानी थोड़ा सा रेल के ऊपर भी वो काम कर चुके थे, उनके पास आपस में बातचीत करने के लिए टेलीग्राफ भी था, ठीक है, वो टेलीग्राफ के जरिए भी एक दूसरे से कम्युनिकेशन में थे।
दूसरा वो लोग वेल ऑर्गेनाइज थे। अब ये जो जितने भी रेबल ग्रुप्स थे इनका आपस में कोई राबता नहीं था, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, तो एक एक करके उन्होंने सबको जो था वो हरा दिया। मेजर हुडसन दिल्ली के ऑपरेशन के सरबराह थे। ये पेपर में एमसीक्यू आ सकता है कि किस ब्रिटिश ऑफिसर ने बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया, तो मेजर हुडसन ने बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया था। और बहादुर शाह जफर को कहाँ पे भेजा गया था, जिला वतन किया गया, रंगून में किया गया, जिसका आजकल नेम है यंगून, और ये उस टाइम बर्मा का कैपिटल था, या बर्मा तब पार्ट भी था ब्रिटिश इंडिया का। तो 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर की डेथ हुई थी रंगून में। अच्छा, ये 1858 की जंग खत्म हो गई, रेबल्स जो थे जंग हार गए। अब ये जंग खत्म होने के बाद, ये बगावत खत्म होने के बाद क्या न्यू चेंजेस आई ब्रिटिश इंडिया के अंदर, या ईस्ट इंडिया कंपनी का आगे क्या होने वाला था? तो उन चीजों को देखती हैं कि ये जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी इसने ब्रिटिश इंडिया की सिचुएशन को कहाँ तक बदल दिया, क्या न्यू चीजें जो थी वो आ गई यहाँ पे। तो जंग के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बारी आई, इसे खत्म कर दिया गया। इसकी जगह एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आया, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया, और जो भी पावर्स थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वो ताजे बरतानिया के पास आ गई। ठीक है, वो ब्रिटिश क्राउन के पास आ गई सारी की सारी पावर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके बाद, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के बाद ब्रिटिश इंडिया जो था अब डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के मातहत था। अच्छा, अब जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में और ब्रिटिश इंडिया क्राउन के मातहत आ गया, तो फिर उस टाइम पे मलका थी क्वीन विक्टोरिया, तो क्वीन विक्टोरिया के नाम पे एक दरबार मुनक्कित किया गया अलाहाबाद में। और अलाहाबाद में जो दरबार मुनक्कित किया गया उसमें क्वीन का जो फरमान था वो पढ़ के सुनाया गया। और किसने पढ़कर सुनाया, उसका नाम था चार्ल्स कैनिंग। चार्ल्स कैनिंग जो था वो गवर्नर जनरल था उस टाइम ब्रिटिश इंडिया का। जब 1857 की वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, तब चार्ल्स कैनिंग जो था वो गवर्नर जनरल था इंडिया का। इसने क्वीन का जो फरमान था वो 1858 में अलाहाबाद दरबार में पढ़कर सुनाया। और इसने, चार्ल्स कैनिंग ने कहा कि जो क्वीन का फरमान मैंने पढ़कर सुनाया है, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो मैंने आपको बताया है, ये फ्यूचर में जाके मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल बनेगा। या उसने कहा कि ये मैग्ना कार्टा है आप लोगों का। अब ये मैग्ना कार्टा क्या चीज है, आप लोगों में से किस किस को पता है मैग्ना कार्टा का? पढ़ा होगा पाकिस्तान स्टडीज में आपने मैग्ना कार्टा, तो हैंड रेस करें जिन जिनको पता है मैग्ना कार्टा क्या चीज है। तो जिन जिनको पता है हैंड रेस करें। अच्छा जी, मैग्ना कार्टा का मैं आपको बताता चलूं, ये तीन चार लोगों ने, चार पांच हो गए, हाँ जी काफी लोग जो हैं, चार पांच लोग जो उन्हें पता है, अच्छी बात है। मैग्ना कार्टा जो है इसको मैं आपको बताता चलूं, 15 जून 1215, 15 जून 1215 को इंग्लैंड के अंदर एक बादशाह था किंग जॉन, उसने अपने दरबारियों को स्पेशल राइट्स जो थे वो ग्रांट कर दिए थे। अब उसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताता चलूं, आपने सलीबी जंगों का नाम सुना होगा, क्रूसेड्स का नाम सुना होगा ना, सलीबी जंगों का किस किस ने सुना होगा। सलीबी जंगें होती थी बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए ईसाइयों की और मुसलमानों की। तो रिचर्ड द लाइन हार्ट का पता है सबको, रिचर्ड द लाइन हार्ट, रिचर्ड द लाइन हार्ट का पता होगा सबको।
एक बादशाह था इंग्लैंड का, रिचर्ड द लाइन हार्ट, जिसे उर्दू में कहते हैं रिचर्ड शेरदिल। तो रिचर्ड द लाइन हार्ट जो था वो एक बहुत ताकतवर बादशाह था, और उसका एक नालायक सा बादशाह, उसका एक नालायक सा भाई था जॉन। तो रिचर्ड द लाइन हार्ट के मरने के बाद जो जॉन था वो बादशाह बन जाता है अपने दरबारियों की मदद से। जॉन जो ये मकार होता है दरबारी, इसे पहले भी यूटिलाइज करते हैं, और दरबारी पहले भी इसी चक्कर में होते हैं कि रिचर्ड द लाइन हार्ट को जो है वो किसी तरह हटाया जाए, क्योंकि रिचर्ड द लाइन हार्ट किसी की बात तो सुनता नहीं है। तो एक कमजोर बादशाह जो है वो किंग जॉन को लाया जाए, क्योंकि उस जमाने के अंदर जो बादशाह होता था वो अपने आप को कहता था कि मेरे पास डिवाइन राइट है, डिवाइन राइट टू रूल, कि मैं खुदा की तरफ से भेजा गया हूँ और जो मैं कहूंगा वही हूँ। मैं कहूंगा उल्टे लटक जाओ तो तमाम उल्टे लटक जाए, मैं कहूंगा कि सीधे खड़े हो जाओ तो तमाम सीधे खड़े हो जाए। तो रिचर्ड द लाइन हार्ट के जाने के बाद जब उसका छोटा भाई बना किंग जॉन बादशाह, तो उससे दरबारी कंट्रोल में नहीं आए, तो दरबारियों ने एहतजाज किया, लॉर्ड्स जो थे, नोबल्स जो थे दरबार के, तो लॉर्ड्स के एहतजाज के नतीजे में उसने लॉर्ड्स को कुछ राइट्स जो थे ग्रांट ग्रांट कर दिए। अभी जनरल पब्लिक को राइट्स नहीं मिले, ये जो पहला ह्यूमन राइट्स का जो बिल आया था ये मैग्ना कार्टा, ये बेसिकली राइट्स का बिल था, बिल ऑफ राइट्स है ये जो मैग्ना कार्टा, ये बेसिकली बिल ऑफ राइट्स है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये लॉर्ड्स के लिए था, नोबल्स के लिए था, आम पब्लिक के लिए नहीं था। इसमें पहली दफा हुआ कि नोबल्स को बादशाह ने ये गारंटी दी इस बिल ऑफ राइट्स में कि मैं बिला वजह तुम लोगों को सजाएं नहीं दूंगा, यानी पहले ट्रायल भी नहीं था होता किसी सजा का, ट्रायल भी नहीं होता था कि बादशाह जो है वो जवाबदेह है। वो कहता था कि फांसी है तो मतलब क्या फांसी है, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, 1215 में बादशाह जो था वो तमाम पावर उसके पास थी, कोई भी डिवीजन नहीं थी, यानी अगर कोई ट्रायल होता है और उसका फैसला बादशाह कहता है कि इसको फांसी दे देनी है, बेशक वो उसने कुछ भी ना किया हो तो उसको फांसी होती थी, लेकिन मैग्ना कार्टा जो था, ये बिल ऑफ राइट्स जो था, इसके अंदर बादशाह ने गारंटी दे दी कि बिला वजह जो है वो किसी को फांसी नहीं होगी बल्कि फेयर ट्रायल का राइट होगा। और इसके अलावा नोबल्स को जमीनें भी ग्रांट कर दी बादशाह ने पक्की पक्की, यानी पहले वो नोबल्स जो थे उनके पास जो लैंड्स थी वो उनके पास वो परमानेंट नहीं थी, वो जब तक बंदा नोबल था तब तक ही था। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा से क्या हुआ, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है ब्रिटिश हिस्ट्री में, ये पहला स्टेप था, ये पहला कदम था कि जिसके अंदर बादशाह ने अपनी ताकत को बांटा था किसी के साथ। इंग्लैंड की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम था कि किसी बादशाह ने अपनी ताकत को शेयर किया था, बेशक ये थोड़ी सी ताकत को शेयर किया था। मैग्ना कार्टा के बाद जो राइट्स थे वो आहिस्ता 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 आम लोगों तक भी पहुंच गए, और हम फिर देखते हैं कि इंग्लैंड एक जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है। ये एक दिन के अंदर, एक साल के अंदर नहीं हुआ, ये सारे का सारा प्रोसेस हुआ 500-600 साल में। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा जो था ये पहला स्टेप था। तो जो लॉर्ड चार्ल्स था, जो चार्ल्स कैनिंग था, ये भी लॉर्ड ही था, तो जो चार्ल्स कैनिंग था, लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग, इसने कहा कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ए बरे सगीर के लोगों, हिंदुस्तान के लोगों, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये भी तुम लोगों की तरह मैग्ना, ये भी तुम लोगों के लिए मैग्ना कार्टा की तरह है। ठीक है, यानी जिस तरह मैग्ना कार्टा जो है ये पहला कदम था राइट्स का इंग्लैंड के लोगों के लिए, उसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 है ये भी फर्स्ट स्टेप है तुम लोगों के लिए राइट्स लेने का। और वही हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद जो बरेसगीर के लोग थे इन्हें पॉलिटिकल राइट्स भी मिलने लग गए,
इन्हें सोशल राइट्स भी मिलने लग गए, इन्हें जुडिशियल राइट्स भी मिलने लग गए। तो इंशाल्लाह सेशन के अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा कि कौन से पॉलिटिकल राइट्स, कौन से जुडिशियल राइट्स और कौन से सोशल राइट्स, और ये सारी चीज़ें जो है वो इन लोगों को मिलने लग गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के बाद। तो अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ, के सेशन से रेलिवेंट या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो उसको जो है वो सॉल्व किया जाए। तो जो लोग इंटरेस्टिंग है इस सेशन के अंदर वो इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करें व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, और मैं आपको फी डिटेल्स जो सेंड कर दूंगा। ये मेरी गारंटी है कि इस सेशन से आपकी पीपीएससी वन पेपर की भी कंप्लीट होगी, एफआईए जॉब्स की भी होगी, पीएमएस जीके की भी होगी, सीएसएस की बेस भी बनेगी, क्योंकि आपकी तमाम की तमाम जो चीजें हैं वो यही रहेंगी, ठीक है, तमाम की तमाम चीजें जो है वो यही रहेंगी और यही आएंगी। तो मैं बारी बारी जो है वो क्वेश्चंस लेता हूँ सबसे। जी सईद बताएं आप। एमओडी का जो पासिंग क्राइटेरिया 50% नहीं है, लास्ट टाइम 58 मार्क्स, लास्ट टाइम 58 मार्क्स पे मेरिट बना था, तो इस दफा जो है 80+ होगा। जी सईद आपकी आवाज, बोले आप। पर जैसे इंग्लिश का जो पोर्शन है वो बहुत लेंदी है, जैसे अभी IFIA की टेस्ट आ रही है उसमें हम इंग्लिश में वोकेब जो है वोकेब बहुत ज्यादा है, तो जी हम वो वोकेब कहाँ से एंटीनम्स, पढ़ें एंटीनम्स और की टेस्ट के सिनोनिम्स जो लिए। हैं वो आपको मैं कंप्लीट उसकी मैं तैयारी करवाऊंगा। सर अगर कोई सेशन ज्वाइन नहीं करना चाहता, अगर खुद से कोई घर में पढ़ना चाहता है तो उसके हाँ, लिए कोई तो गाइड उसके करें लिए तो आप, उसके लिए आप जो है वो कोई भी वोकैबुलरी की बुक ले लें, जो बैरून 500 वर्ड्स है वो कर लें, डॉन के 4000 वर्ड्स हैं वो कर लें, आपको जो पब्लिशर्स हैं डिफरेंट उनकी आपको वोकैबुलरी के वो मिल जाएंगे लिस्ट। इंग्लिश तो वही रहनी है ना, लफ्ज तो वही रहने हैं, बेशक कहीं से भी आप कर लो, एंटीनम सिनोनिम्स जो हैं वो तो चेंज नहीं होने। कोई और क्वेश्चन है किसी का तो काइंडली पूछें। सर। जी काइंडली पहले अपना हैंड रेस करें, फिर मैं नाम लूं तो फिर मुझे भी पता हो कौन बोल रहा है। जी अरीबा यासीन बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मेरा BS का फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है, लेकिन मेरा एम है कि मैं CSE या PMS का टेस्ट दूँ या इसमें कुछ ऐसा कुछ अच्छा करूँ। तो मुझे एडवाइस चाहिए थी कि मैं किस तरह अपनी स्टडी के साथ साथ कुछ ऐसा करूं कि मुझे बाद में तैयारी में मुश्किल ना हो। देखें अरीबा, सबसे बेस्ट चीज़ आपके लिए यही है कि आप अपनी डिग्री के अंदर तैयारी को कंप्लीट करो, ठीक है। आपने CSS की करनी है, PMS की करनी है, डिग्री के अंदर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो है तैयारी को कंप्लीट करो। सबसे पहले आप उन चीज़ों को पकड़ो जिन्होंने चेंज नहीं होना, ठीक है, उन चीज़ों को सबसे पहले करते हैं जिन्होंने चेंज नहीं होना होता, तो जो फिक्स सब्जेक्ट्स होते हैं, जो फिक्स चीज़ें होती हैं, और उन चीज़ों की तरफ बाद में जाते हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जिस तरह करंट अफेयर्स है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, और जो पाकिस्तान अफेयर्स है वो भी आजकल जो है करंट अफेयर्स की तरह हो गया, लेकिन जो बाकी ऑप्शनल्स हैं वो फिक्स ही रहेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह अपनी तैयारी को लेकर चलो कि डिग्री के अंदर आपकी एक बेस बने। सबसे पहले आपकी बेस बननी चाहिए, आपको हर चीज़ का बेसिक पता होना चाहिए कि हो क्या चुका है, हो क्या रहा है और आगे क्या होगा। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो आपको एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी डिग्री जो मर्जी हो, CSS, PMS या PPSC, एक ऐसी चीज है कि डिग्री मैटर नहीं करती, डिग्री कौन सी है कौन सी नहीं है, असल में जो चीज मैटर करती है वो तैयारी की करती है। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो ड्यूरिंग डिग्री मेरे पास आते हैं और वो फायदेमंद रहते हैं। अभी काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बैच 2 भी लिया, 3 भी लिया, ठीक है, बाद में भी लिया, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं इसलिए रहते हैं इन टच या मेरे पास आते हैं कि डिग्री के अंदर ही 100% तैयारी हो जाए, जिस तरह डिग्री हो फौरन अप्लाई करें, फौरन टेस्ट दें और आ जाएं। जब आपकी डिग्री खत्म हो जाती है ना, तो जिस दिन आपकी डिग्री खत्म होगी आपके हाथ में DMC आएगी डिग्री की, उस दिन से आपके ऊपर जॉब लेस होने का प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। जिन लोगों के पास
200 एकड़, 100 एकड़ या दो मरबे जमीन नहीं है, जिनके फादर का करोड़ों का बिजनेस नहीं है, ठीक है, या वो लोग जो वाकई कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए एक एक दिन का मतलब होता है प्रेशर। यानी आपकी डिग्री खत्म हो गई है, एक दिन गुजर गया, दो दिन गुजर गया, वो महीना बन जाता है, दो महीने बन जाते हैं, वो तो जितना टाइम गुजरता जाएगा उतना प्रेशर आपके दिमाग के ऊपर आता जाएगा, जितना प्रेशर आपके ऊपर आता जाएगा आपकी स्टडीज के ऊपर उतना फर्क डलता जाएगा, आप प्रेशर के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। अब जब मेरी डिग्री एंड हुई थी तो मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी मुझे जॉब ऑफर है, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी अप्लाई करूं तो मेरे पास इतना है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उधर भी जा सकता हूं, तो मैं उधर रिलैक्स था, ठीक है। अब जो एक बच्चा है जिसकी जिसका जीके में भी हाथ अच्छा नहीं है, स्ट्रोंग नहीं है उसका जीके, और दूसरी तरफ उसके पास अगर कोई इतनी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, और आपको पता है सेचुरेशन का कि हर जॉब, हर फील्ड की, हर सब्जेक्ट की जॉब जॉब की क्या पोजीशन है, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी, तो बेहतर हाल यही है कि आप मेरे पास आओ या ना आओ, लेकिन आपको कंटेंट्स मैंने बताए हैं आपने खुद पढ़ना है, तो बाजार में कुछ 100 तरह के पब्लिशर्स होंगे, किताबें मिल जाएंगी आपको, पढ़ने बैठ जाओ। इस सेशन का सिर्फ ये फायदा है आपको कि रेगुलर रूटीन बनेगी, ए टू जी जो मेरा मेरे पास इन चीजों के रेलिवेंट जो नॉलेज है वो आपको मैं डिटेल से प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, 360 डिग्री के एंगल से एक रूटीन बनेगी, एक डायरेक्शन के अंदर आपके सारे कंटेंट्स कवर होंगे, ठीक है। डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस के ऊपर मैं टेस्ट लूंगा, उससे आपकी रूटीन और बेहतर होगी, साथ साथ तैयारी होती जाएगी, और जब तक आपकी डिग्री नहीं होगी तब तक आपको करंट अफेयर्स के नोट्स मिलते जाएंगे, और आप अप टू डेट रहोगी करंट अफेयर्स के लिए, या कोई भी जो है वो अप टू डेट रहेगा करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। तो अभी मेरे जो बैच 1 है उसको भी मैं करंट अफेयर्स के नोट सेंड करता हूँ, मैंने तमाम बैचेस का ग्रुप बनाया हुआ है टेस्ट ग्रुप के नाम से, तो हर महीने जब जब भी करंट अफेयर्स अपडेट होता है तो उसके अंदर मैं फाइल सेंड कर देता हूँ कि ये अपडेट हो गए हैं करंट अफेयर्स, ये आप लोग पढ़ लें, ठीक है। ये जो बैच है इसकी जो क्लासेस हैं और जो पिछले बैचेस की क्लासेस, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इसमें न्यू चीजें जो होंगी वो ऐड होंगी, क्योंकि पीपीएससी वालों ने जो न्यू स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक न्यू चीजें जो है मैंने ऐड की हैं, और ओवरऑल पीपीएससी एग्जामिनर के माइंड को मैंने कवर करना है, कोई इम्तिहाज शायद जो है वो मैंने नहीं फोकस करनी, कोई मैंने कोई और किताब नहीं फोकस करनी, मैंने फोकस करना है पीपीएससी एग्जामिनर का माइंड सेट, कि वो किस माइंड सेट से पेपर बना रहा है, ठीक है। हमने एग्जामिनर को देखना होता है, ये जो कॉपी पेस्ट हुई किताबें होती हैं इन्हें देखना होता है, बहुत से लोग इम्तिहाज शायद करते हैं, इम्तिहाज शायद में से पेपर नहीं आता, वो डाटा बैंक चेंज हो गया है, तो थैंक्स टू कोविड के, कोविड की वजह से छुट्टियां हुई हैं, डाटा बैंक जो है चेंज कर लिया पीपीएससी ने, अब वो पुराने क्वेश्चन नहीं आते, बहुत थोड़े आते हैं, पहले जो इम्तिहाज शायद से 70-80 आ जाते थे, यानी 220 पेपर याद कर लो, पेपर में 100 में से 70-80 एमसीक्यूज आ जाएंगे, अब वो सीन नहीं होता, अब मैक्सिमम 10-12 एमसीक्यूज आते हैं, तो 100 में से 10-12 एमसीक्यूज से तो आप पास भी नहीं होंगे, ठीक है। तो कोई और किसी का क्वेश्चन है तो पूछे। यस सर, मैं एक वन मोर जी थिंग जी प्लीज जी जी पूछे। सर, जैसे कि अभी हमें जीके के तो मतलब मैं सेशन लूंगी इंशाल्लाह फाइनल्स के बाद इंशाल्लाह, तो मैं इस कह रही थी कि जीके के सेशन ले लूंगी और इंग्लिश की मैं खुद से तैयारी, तो इसके लिए आप बुक अगर रेकमेंड कर दें जो इजी भी हो, और किसके लिए बुक? जैसे सिनोनिम्स के लिए। देखिए सिनोनिम्स के लिए, रेंटिनम्स के लिए जो है वो ग्री, जो जीआरई है जिसे हम ग्री कह देते हैं, ठीक है, उसकी आप बुक ले सकती हैं, उसकी वर्ड लिस्ट भी ले सकती हैं। इसके अलावा आप डॉन न्यूज़पेपर के सर्च कर लें के वोकैबलरी, डॉन न्यूज़पेपर वोकैबलरी उसको भी आप कर सकती हैं, ठीक है। फिर रीडर जो डाइजेस्ट है उसकी वोकैबलरी, वोकैबलरी जो है ना वही रहनी है, आप जहां से मर्जी कर लो, इंग्लिश के वर्ड है ना वो आप 4,000 याद कर लो, 5,000 कर लो, वो तो सेम रहेंगे, उसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा ना। तो इंग्लिश का मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इंग्लिश तो आपकी वही रहनी है, उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स में कोई फर्क, कुछ ऐसी भी बुक्स मैंने देखी हैं जिसमें मुझे अभी एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, उन बुक्स के अंदर उर्दू की ट्रांसलेशन भी लिखी होती है,
सिक्स क्लास के अंदर ना हमें जो स्कूल के अंदर प्रैक्टिस करवाई जाती थी वो ये करवाई जाती थी कि जो चैप्टर्स मिलते थे इंग्लिश के रीडिंग के लिए उसकी हमने खुद सिरेनम्स और एंटीनम्स फाइंड करके लिखने होते थे। मुझे आज भी वो तमाम के तमाम वर्ड्स याद हैं जो मैंने सिक्स सेवन के अंदर खुद लिखे थे। तो बेहतरीन हलिया अखबार पकड़ो डेली का, वहां से एडिटोरियल में से और जो इम्पोर्टेंट आप पढ़ो, जो भी कॉलम्स वगैरह पढ़ो, ओपिनियंस पढ़ो, उसमें से जो भी आपको लगे वर्ड कि ये डिफरेंट है, ये इससे पहले मैंने नहीं पढ़ा, ये मुझे मतलब नहीं पता, तो आप एक रजिस्टर लो, उसके ऊपर तीन कॉलम्स बनाओ, एक में वर्ड लिखो, एक में उसका एंटीनम लिखो, एक में उसका सिनिनम, पहले सिनिनम लिखो फिर एंटीनम लिखो, और फिर तीसरे कॉलम के अंदर लिखो उसके उर्दू का मतलब क्या है। आप रोजाना के 10 10 वर्ड्स, 15 15 वर्ड्स लिखते जाओ, ठीक है? एक तो आज जब आपके हाथ से गुजरेगा ना, आपको जुबानी याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा, बस रिवाइज करना है वो याद आ जाएगा, रटे मारोगी तो इतना पक्का याद नहीं रहेगा। हाथ से प्रैक्टिस, मुझे आज भी याद है सिक्स सेवन की पूरी पूरी लिस्ट में चैप्टर, मुझे एक एक चैप्टर याद है कि मैंने सिक्स और सेवन के अंदर जो और क्लासेस थी मैंने कौन सी क्लास में क्या क्या पढ़ा था। मैं अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता हूँ ना, मैं बता भी रहा होता हूँ कि इस क्लास के अंदर ये आया था, इस क्लास के अंदर ये आया था, इस क्लास के अंदर ये आया था, ठीक है? क्योंकि मैं उन्हें बता रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे याद है, मेरे हाथ से गुजरी है चीजें, तो प्रैक्टिस जो होती है ना वो आपको कभी भूलने नहीं देती। यस सर, जज़ाकअल्लाह सर जी। जी मिर्जा सोनिया। सर, एज लिमिट का पूछना था, और दूसरा ये जो है ना इसके यानी प्रिपरेशन का थोड़ा सा मेथड का थोड़े और सा चांस। आप क्वेश्चन को रिपीट कर दें, मुझे आपके स्टार्ट से क्वेश्चन की समझ नहीं आई। सर, इसमें एज लिमिट और चांस दोनों का मुझे ये पूछना था आपसे। जी जिसने लीव करना है वो कर सकता है। अच्छा, इसमें जो एज है और जो चांसेस का मैं आपको बताता चलूं, जो पीएमएस है ना उसके अंदर है आपके पास तीन चांस, पीएमएस के अंदर है आपके पास तीन चांस, ठीक है? पीएमएस के अंदर है आपके पास तीन चांस, ये तीन ही रहेंगे। जो पीपीएससी वन पेपर है ना उसके अंदर आपके पास होते हैं तीन चांस, लेकिन हर जॉब के तीन चांस अलहदा होते हैं। लेक्चरर केमिस्ट्री के तीन चांस अलहदा है, लेक्चर फिजिक्स के तीन चांस लेते हैं, ठीक है? हर जॉब के तीन तीन चांस जो है वो सेपरेट होंगे पीपीएससी वन पेपर है। अब ये चांस किस तरह काउंट होता है? चांस तब काउंट होगा जब एक चांस आपका तब काउंट होगा पीपीएससी वन पेपर में, पीपीएससी वन पेपर का बता रहा हूं मैं आपका, पीपीएससी वन पेपर में एक चांस तब काउंट होगा जब आपके रिटर्न में 40 मार्क्स से कम आएंगे, ठीक है? 40 मार्क्स से जब आपके कम आएंगे रिटर्न में तब आपका वो चांस काउंट हो जाएगा। बेशक आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करो या ना करो, अगर रिटर्न में 40 से कम आ गए तो आपका चांस काउंट हो जाएगा। अजान सुनने 1 मिनट काइंडली। अच्छा जी, पीपीएससी वन पेपर के मैं चांसेस को दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है? पीपीएससी वन पेपर में ना हर जॉब के लिहाज से तीन तीन चांसेस होते हैं, और आपका एक चांस तब काउंट होता है जब आपके रिटर्न में 40 से कम मार्क्स आए, ठीक है? अगर आपके 40 या उससे ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं और आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं करते तब भी आपका चांस काउंट नहीं होगा, ठीक है? अजान हो रही है, एक सुन लिया, तो बाकी मसाजिद में हो रही है तो सॉरी, 1 मिनट बस वेट कर लें। अच्छा नहीं लगता अजान हो रही है और मैं बोल रहा हूँ, 1 मिनट वेट कर लें। अच्छा जी, मैं दोबारा आता हूँ चांसेस के ऊपर। तो आपने 40 मार्क्स मिनिमम रिटर्न में लेने होते हैं, मिनिमम 40 मार्क्स रिटर्न में। अच्छा, अगर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंटरव्यू में आपने मिनिमम 50 मार्क्स लेने होते हैं। अगर आप इंटरव्यू में बेशक 50 से अबव ले लें, आपका एलोकेशन ना हो, ठीक है, आप एलोकेट ना हो, तो फिर भी आपका चांस काउंट नहीं होता। तो याद रखना है कि रिटर्न में कम से कम 40, और अगर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करें तो फिर इंटरव्यू में कम से कम 50 लेना है। अगर आप पेपर ही ना दें, रिटर्न ही ना बैठें, तो चांस काउंट नहीं होता। अगर इंटरव्यू देने ही ना जाएं तो फिर भी चांस काउंट नहीं होता, ठीक है? तो ये होता है चांस। और ये चांस असिस्टेंट के तीन चांस अलग हैं, लेक्चरर के तीन चांस अलग हैं,
हर तरह की टीचर के तीन तीन चांस लादा है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कॉपरेटिव सोसाइटीज के तीन चांस लादा है, तहसीलदार के तीन चांस लादा है, हर जॉब के तीन चांस आपके पास लादा है, ठीक है, और पीएमएस में भी तीन चांस लादा है आपके पास। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जी हवावे मेड टेन लाइट, जी हवावे मेड टेन लाइट, महनूर 2017 है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैंने पूछना था कि इन टेस्ट की जो डेट है वो अनाउंस कब होती है, मतलब मेरा 8th सेमेस्टर अब खत्म हुआ है तो अगर मैं ये होती मतलब रहती है सेशन भी ज्वाइन कर, ये हर संडे को होती है, हर संडे। तो सर जब जी जी सर मैंने ये सेशन भी ज्वाइन करना है इंशाल्लाह तो उसमें अपडेट मिलती रहेगी है। जी बिल्कुल, जो भी एडवर्टाइजमेंट आएगी, जो भी जॉब्स आएंगी, आपको एडवर्टाइजमेंट मिलती रहेगी और डिटेल मिलेगी, यानी आप अप्लाई कर सकती हो नहीं कर सकती वो भी मैं बताऊंगा। जी ठीक है, थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैंने पूछना ये था, जैसे आपने चांस का बताया, इसका बहुत अच्छा बताया, चांस का क्लियर हो गया, तो जो अभी मैंने ना एग्रीकल्चर फिसर के अप्लाई किया उसके तीन चांस होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, तो उसके लिए एक टेस्ट मैंने दिया था जो 2020 में हुआ था, उसमें मेरे 61 मार्क्स आए थे, तो 69 पे मेरिट बना था, तो इसका मतलब चांस काउंट नहीं है, क्योंकि आपने कहा है कि 40 कम आएंगे तो फिर चांस काउंट होगा, आपका चांस काउंट नहीं हुआ। मेरा मिस्टेकली मैंने ना वो वहां पे एक चांस लिख दिया था। हाँ, तो इसका आपने हमेशा चांस बिल्ड जीरो पे करना होता है। सही, तो अगर एक लिख दिया तो उनके पास रिकॉर्ड तो होगा ना, क्योंकि कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, अगली दफा जीरो कर देना। चलें ठीक है। हाँ जी, और सर आपका इसी दफा ही हो जाएगा क्लियर, आप मेहनत करें, आपको पता लग गया ना कि आपके 8 नंबर किस तरह कम थे, तो वो जरूरत ही ना पड़े आपको दोबारा अप्लाई करने। जीके का आपने बताया तो आपने कहा कि पीपीएस ने कोई चेंज की है अपनी पॉलिसी वगैरह, पहले क्या सब वाकई पॉसिबल था कि इम्तिहास चाहे या किसी भी बुक से आप तैयारी कर लें तो उसमें से आप 70-80 एमसी कुछ कर लेते थे? जी बिल्कुल, पहले लोग इम्तिहास शायद को रटे मारते थे, 70 एमसी की उस तक इम्तिहास शायद से हो जाते थे, पहले ये सीन था, लेकिन पिछले 2020 से ये चेंज हो गया। जी अच्छा, ये जो मेरा सेशन है ना जैन जहरा, ये अभी होगा 1 जुलाई को स्टार्ट, उसके बाद जब ये सेशन कंप्लीट होगा ना उसके बाद मैं देखूंगा कि अगला सेशन स्टार्ट करना है नहीं करना। अगर मैंने सितंबर में ये सितंबर तक मैंने एंड कर दिया, फिर मैं 4 माह का सेशन स्टार्ट करूंगा, वो स्पेशल सेशन होगा 4 माह का, उसमें वीक में क्लासेस का नंबर थोड़ा होगा, ठीक है, लेकिन वो भी इसी तरह के होगा, यानी 2 माह में जो चीज़ करवानी वो 4 माह में करवाऊंगा मैं। और ये वाला सेशन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जुलाई वाला ज्वाइन करो, अगर आपके पेपर्स वगैरह हो गए हैं या अगर आप फ्री हो तो आपको जुलाई वाला करना चाहिए, अगर आपकी डिग्री कंटिन्यू भी है, क्योंकि आगे फिर अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो तो आपको फिर मुश्किल हो जाएगी सितंबर अक्टूबर नवंबर में डिग्री के साथ। अब मुझे नहीं पता आपके फाइनल्स कब खत्म होने हैं, जो इस बैच की जो पहली क्लास है ना, जो रेगुलर क्लास है पहली, वो 5 को होगी मंडे को, 1 को इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो अगर तो आपके 4 तक या 5 तक खत्म हो जाते हैं फाइनल्स तो आप यही कर लो ज्वाइन। अगर आपके फाइनल्स जो हैं वो डिले में भी हैं तो मैं आपको कवर करवा दूंगा बाद में भी, जो लेक्चर्स आपके मिस होंगे वो मैं आपको बाद में कवर करवा दूंगा, यानी जुमेरात तक क्लासेस होंगे ना, तो जुमा हफ्ता इतवार को मैं कवर करवा दूंगा जो लोग लेट आएंगे उनके साथ। यस सर, 6 जुलाई से तो स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद मतलब 15 तक चलेंगे, अल्टरनेट होंगे ना, कुछ डिपार्टमेंट्स के वन डे पर होंगे, फिर हमारे होंगे, तो इस तरह से ठीक है। तो आप जिनके फाइनल्स का इशू है वो परेशान ना हो, उन्हें वो लेक्चर्स में बाद में कवर करवा दूंगा। ओके सर जी, अगर आप में से किसी को भी फाइनल्स का इशू है तो वो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बाद में कवर करवा दूंगा। जो पिछले बैच के अंदर मेरे पास लोग आए थे रमजान बैच के अंदर, उनके जो लेक्चर्स रहते हैं यानी वो लेट आए हैं, ये नहीं कि आपने सेशन पहले ज्वाइन कर लिया, आप बगैर किसी वजह के क्लासेस छोड़ो,
वो लोग जिन्होंने सेशन लेट ज्वाइन किया उनका इशू था, जिस तरह आप लोगों का है, उनको मैंने आप लोगों के साथ पढ़ाना है अभी, यानी उन्होंने आप लोगों के साथ क्लासेस लेनी है। मैं अभी आप जब क्लास में आएंगे मैं बताऊंगा, अभी वो भी आपको बताएंगे कि हम पिछले बैच से थे लेकिन हमारी इनिशियल क्लासेस मिस हुई हैं, तो हम जो है आपके साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग आपके साथ लेंगे, तो इंशाल्लाह ए टू जी आपके कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा, वो सारे कवर होंगे जी। किसी और का भी क्वेश्चन है तो बताएं, मेरे यूरोपियन हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो मैसेज कर रहे हैं मुझे, उनकी क्लास का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। जी ओपो F5 बताएं, ओपो F5 जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, एक्चुअली मैं ये क्लियर करना चाह रहा था कि जिस तरह CSS के अंदर एक आउटलाइन आपके पास फिक्स्ड होती है, तो ये जो PPSC 1 पेपर MCQs है इसमें भी आउटलाइन उसी तरह की होती है कि आप डिफाइंड प्लान के साथ सारी चीजें करते जाएं? मसलन अगर आपने इस्लामिक हिस्ट्री शुरू किया तो सारी जंगों की आप करते जाएं, इस तरह को कोई इसमें सीक्वेंस होता है या ये रैंडमली ही है? पीपीएससी के अंदर कोई सीक्वेंस होता नहीं है, लेकिन मैंने आपको सीक्वेंस के साथ करवाना। अच्छा, और सेकंडली सर मेरा एक क्वेश्चन था छोटा सा। जी जी, के आपने नॉर्मली आपने भी माशाल्लाह क्लास आपने बहुत अच्छी पढ़ाई है, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी बच्चे किसी एकेडमी को ज्वाइन करते हैं तो वो देखते हैं कि उस एकेडमी की रेपुटेशन कैसी है, जी, उसकी फैकल्टी कैसी है, उसकी आउटकम्स कैसी हैं, प्रोग्रेस कैसी है, एक्सपर्टीज कौन सी हैं, तो काइंडली अगर आप अपना थोड़ा सा इस बारे में भी बैकग्राउंड शेयर कर दें बच्चों अच्छा। के साथ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को चूज करने में आसानी हो जाएगी। जो बच्चे पहली बात ये बच्चे नहीं है, इनके आईडी कार्ड बन गए हैं, तो जो लोगों ने जो पार्टिसिपेंट्स ने 745 पे क्लास ज्वाइन की थी उन्हें पता होगा कि सबसे पहले एकेडमी का इंट्रोडक्शन दिया मैंने, उसके बाद मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, और मैंने लेक्चर के दौरान भी शायद ये बात आपको बताई है, मैंने सेशन के बारे में बताते हुए बताई कि मेरे 37 स्टूडेंट्स का जो है वो टेस्ट लिए, 35 प्लस का मैं इसलिए कहता हूँ, सॉरी एक दो स्टूडेंट्स की मुझे कन्फ्यूजन है कि वो उनका इंटरव्यू हुआ या नहीं हुआ, उन्होंने बताया भी नहीं, रहा नहीं हुआ। 37 to 38 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं 35 प्लस कह देता हूँ, अपने आप को मैं सेव साइड पर रखता हूँ 35 प्लस कह के, तो 35 प्लस स्टूडेंट्स हैं जिनका टेस्ट और एलोकेशन हो चुकी है। अभी लेक्चरर ज्योग्राफी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, इन लोगों के भी क्लियर हुए हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स वालों का इशू चल रहा है, पीपीएससी वाला वो अलग चीज़ है, ठीक है, उनका भी रिजल्ट नहीं आया, तो इंशाल्लाह उनकी भी हो जाएगी। तो ये जो जीके का सेशन था ना, ये उनके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हुआ, उन लोगों के अपने अपने सब्जेक्ट में 40-40 भी नहीं थे बन रहे, उन्होंने मुझसे जीके का पढ़ा, उनके 20 में से 16-17 आए हैं, एक के 14 आए थे, ठीक है, उनके अच्छे स्कोर आ गए, उनका टेस्ट भी पास हो गया, मेरिट भी बन गया इंटरव्यू का, यानी जो मेरी स्टूडेंट के जिसका लेक्चर ज्योग्राफी का क्लियर हुआ है और उसकी एलोकेशन हुई है लेक्चर ज्योग्राफी की, उसके रिटर्न में मार्क्स हैं इतने, ये मार्क्स हैं जी उसके रिटर्न में, और इसमें से भी उसके 14 से 16 मेरे बैच की वजह से जीके में आए हैं, और जो मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई थी उसे, ठीक है, जो मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई उसके भी, उसमें से भी उसने कहा कि सर इंटरव्यू के अंदर सारी की सारी वही चीजें आई, और कम से कम 22-24 मार्क्स की ज्योग्राफी भी आप में से आई जो आपने करवाई थी, ठीक है, तो उसकी डिग्री में से जो चीजें उसे वैसे आई थी वो तो उसे आती नहीं थी, तो उसका जो मेरिट था उसमें ये चीजें आई हैं उसके मेरिट में। तो ये जीके का सेशन है ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा हर टेस्ट में हर जगह पे, ठीक है, ये आपको हर टेस्ट में हर जगह पे, बेशक आपका कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, एग्रीकल्चर है, कोई भी सब्जेक्ट है, हर एक में हेल्पफुल होगा। जो मेरा है अपना, मैं आपको बताता चलूँ, जो मेरी रेपुटेशन है अकेडमी की, सबसे बेस्ट तरीका है, आप मेरी रेपुटेशन अगर आपने देखनी है, मैं देखें इतना अमीर नहीं हूं कि मैं मुसलसल जो है वो 17 अगस्त से लोगों को खरीद के तो फीडबैक लेता रहूं, मैं अभी आपको दिखाता हूं।
ये मेरा फेसबुक पेज है गूगल लाइसियम का, 17 अगस्त से आपने नीचे से जाए, ठीक है, ये तो बैच वन और बैच टू का फीडबैक आपको ऊपर मिलेगा ना, ये कहाँ पे गया पिन पोस्ट, तो पिन पोस्ट शायद अभी नहीं है, वन पिन हो गई है, आप नीचे जाएं 17 अगस्त तक जाएं, जब से ये एकेडमी का पहला लेक्चर स्टार्ट हुआ, आप लोग 17 या 18 अगस्त से देखना स्टार्ट करें और ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ आए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पिछले बैजेस के साथ क्या क्या रहा, कौन कौन से बैजेस हुए हैं और किस किस बैच ने क्या क्या दिया। ये फरवरी से मैं फीडबैक लेना मैंने छोड़ दिया, मेरे पास क्योंकि 95% होती हैं लड़कियां, जब मैं उनसे फेसबुक के ऊपर फीडबैक लेता हूँ ना, तो बहुत से अजीबोगरीब जो जानवर हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, वो उन्हें जानबूझ के फिर मैसेज करते हैं। अब वो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी फैमिलीज होती हैं, बेशक वो एक रॉन्ग मैसेज भी आया हो ना, बेशक वो आपके उधर भी पड़ा हो, मैसेज रिक्वेस्ट में पड़ा हो, लेकिन वो बड़ा इशू बन जाता है। तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए एक दो के लिए इशू बना था फैमिली की तरफ से, कि उन्हें बहुत से लोगों के मैसेजेस आते थे और बड़े अजीबोगरीब से लोग मैसेज करते थे, तो फिर मैंने ये चीज़ छोड़ दी कि मेरी वजह से किसी स्टूडेंट को इशू ना बने। तो इसलिए मैं फिर जो सेशन एंड होता है तो उसके बाद एक एंड पे मैं फीडबैक ले लेता हूँ, ठीक है, कि आपका सेशन किस तरह करा। जिस तरह मैंने अपने यूट्यूब के ऊपर एक पिछले बैच का अपलोड किया भी हुआ, ठीक है, तो फेसबुक पे मैंने फीडबैक लेना फरवरी में छोड़ दिया कि किसी फीमेल स्टूडेंट के लिए इशू ना बने, ठीक है, हमारे यहाँ इशूज इस तरह के बनते हुए देर नहीं लगती, बेशक उसका अंदर कोई हो ना हो तो कोई देखने वाला होता है, वो कहते हैं क्यों तुम्हें क्यों आ रहे हैं, ठीक है, तो मुझे तो नहीं आते, तुम्हें क्यों आ रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। आई होप कि आप समझेंगे इस चीज़ को, इसलिए फिर मैंने फीडबैक लेना छोड़ दिया, क्योंकि जब मेरे पास होती 90% लड़कियाँ ही हैं, लड़के तो बहुत थोड़ी आते हैं, ठीक है, लड़कियां ज्यादा होती हैं। बैच वन के अंदर 228 स्टूडेंट थे मेरे पास, उन 228 में मेरे पास 28 लड़के भी नहीं थे, 20 से कम लड़के थे, ठीक है, तो कोई 17 या 18 लड़के होंगे या इससे भी थोड़े होंगे, बाकी 200 ज्यादा लड़कियां थी। सेकंड बैच में 218 थे मेरे पास स्टूडेंट्स, उन 218 में से भी 30 लड़के नहीं होंगे, 30 लड़के भी नहीं होंगे, ठीक है, बहुत थोड़े थे लड़के। तहसीलदार बैच के अंदर लड़के आए थे काफी ज्यादा, सब इंस्पेक्टर के अंदर भी लड़के आए थे, बैच 3 के अंदर भी लड़के लड़कियों का जो कंपैरिजन था तकरीबन ठीक था, बराबर ही था। सीएसएस के अंदर मेरे पास 44 में से तकरीबन कोई 8 लड़के थे, बाकी 36 लड़कियां थी। तो मेरे पास जो स्टूडेंट्स की रेशियो होती है ना, पता नहीं क्यों लड़कियों की ज्यादा होती है, या लड़कियों की जो है वो आबादी ज्यादा है पाकिस्तान में, या लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं, ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, या लड़कों को जो है वो ये होता है कि हमें सब कुछ आता है, हम खुद कर सकते हैं, ये भी चीज़ होता है लड़कों में, ये चीज़ ये फैक्टर बहुत ज़्यादा है कि हमें सब कुछ आता है, हम खुद कर सकते हैं सारा कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लड़के मेरे पास पढ़ चुके हैं वो कोई नलायक नहीं थे, और ऐसी भी बात नहीं थी कि उन्हें कुछ आता नहीं था, या उन लोगों ने कहीं और से कोई ट्राई नहीं था किया, लेकिन उन्होंने सेशन के एंड पे मुझे ये चीज़ कही कि सर हमने वहाँ भी 20,000 दिए, वहाँ भी 10,000 दिए, लेकिन जो आपके सेशन में मजा आया वो कहीं और नहीं आया, और जो आपने हमें चीजें बताई वो किसी और ने नहीं बताई, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें वो भी इतने ज्यादा सेटिस्फाइड थे। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है आवाज। सर जो ये आपने जीएसए का सेशन बताया फ्री वाला, इसका थोड़ा सा बता दें, क्या ये जैसे अभी सेशन हो रहा है इस ये यहाँ तक फ्री है, या फिर जो आप पूरा कोर्स पढ़ाएंगे जीएसए का वो फ्री है? देखिए, जीएसए का मैंने ये अनाउंसमेंट की थी ग्रुप के अंदर भी, मैंने बताया था कि कम से कम 1000 लोग उसे ज्वाइन करेंगे तो वो एक माह के लिए मैं फ्री पढ़ाऊंगा, ठीक है, अगर उसको 1000 लोग ज्वाइन नहीं करते, 1000 से कम करते हैं, तो फिर यही है कि उसके जो लेक्चर्स होंगे, नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे वो 2 वीक्स के होंगे, ठीक है, लेकिन मे भी मैं उसे बढ़ा दूं, अगर 1000 नहीं करते तो मैं बढ़ा दूं। और जीएसए का सेशन फ्री मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 31 जुलाई 2021 को एक साल हो जाना है गूगल लाइसियम को, तो ये एक साल होने के लिए मैंने ये एक सेशन जो था फ्री किया था, ठीक है, और एक सेशन जो होगा फ्री होगा ये सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में कि एक साल हो जाना है अकेडमी को, तो इसलिए वो जो था सेशन फ्री है, वो सेपरेट है सेशन, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है।
2 वीक्स का क्या बोला सर आप? मैं कह रहा हूँ कि वो सेशन फ्री है जनरल सेंसिबिलिटी का। कोई और क्वेश्चन है किसी का तो बताएं, फिर मैं एंड करूँ उसको। तो उसकी क्लासेस कब से शुरू करेंगे, मतलब अब जीएसए की? उसकी एक क्लास होगी फर्स्ट को, उसके अंदर मैं बताऊंगा सीएसएस क्या होता है, पीएमएस क्या, दोनों में फर्क क्या है। फिर उसके जो कंटेंट वाइज जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो क्लास होगी वो हफ्ते में 2 से 3 दिन होगी, क्योंकि 2 से 3 दिन ही एग्रीकल्चर की डिस्कशन क्लास मैंने रखनी है, उसी टाइम के ऊपर वो होगी। तो इसलिए हफ्ते के अंदर 2 से 3 दिन जीएसए की क्लास होगी और 2 से 3 दिन एग्रीकल्चर वालों के साथ मेरा सेशन होगा, ठीक है? तो सर वो आप पेज पे, फेसबुक पेज पे बता देंगे, मेंशन कर देंगे ना? वो मैंने मेंशन किया हुआ है, आप फेसबुक पेज के ऊपर देखें, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसे फिल करें, और वो आप उसे फिल करें, मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड करूं, उसका ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसके अंदर मैं आपको ऐड करूं और आप उसको जो है वो एंजॉय करें 1 जुलाई से, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बल्कि अपने दोस्तों को भी बताएं उसका। जी सर हम ट्राई करते हैं आपके लिए मार्केटिंग करेंगे इंशाल्लाह। 1000 मार्केटिंग क्या है, वो फ्री वो एक होता है कि यार मैंने अगर किसी को फ्री पढ़ाना ही है, ठीक है, तो किसी जब मैं फ्री पढ़ा ही रहा हूँ तो कोई 200-300 लोग क्यों आए, फिर तो आने चाहिए सारे के सारे, फिर बाकी के एडमिन में 6-6 हजार, 8-8 हजार, 10 हजार क्या देने की जरूरत है? जब एक मैं फ्री पढ़ा ही रहा हूँ तो फिर मैं 2-3 को क्यों पढ़ाऊँ या 200-300 को क्यों पढ़ाऊँ, फिर मैं फिर ज्यादा होने चाहिए ना। जब एक चीज फ्री है तो फिर सबको सब तक पहुंचना चाहिए। देखिए मैं हर बंदे तक खुद नहीं पहुंच सकता, मैं पेड एडवर्टाइजमेंट भी चला दूंगा ना तो फेसबुक वाले एक मखसूस सर्कल तक चलाएंगे। जब आप लोग जो है वो फ्री सेशन का बताएंगे तो तब सारे लोग आ जाएंगे, आपके दोस्त भी आ जाएंगे, ठीक है जी। GSA 3, GSA 4, GSA 5 ये सेशन के ग्रुप्स का नाम है, ठीक है। GSA 3, GSA 4, GSA 5 सेशन के ग्रुप्स का नाम है, क्योंकि GSA 1, 2 जो है वो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स का, तो 3, 4, 5, 6 ये आगे फिर वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए। कोई और क्वेश्चन है किसी का तो काइंडली पूछ लें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैंने ये एक और क्वेश्चन ये पूछना था कि जिनका जो है वो डेली सेशन ये वाला जीके वाला नहीं अटेंड कर सकते या कोई और मसला है घर में, तो वो उनके लिए कोई आप बुक रिकमेंड कर सकते हैं? देखें इसमें के अलावा इसमें एक बुक नहीं है, पहली चीज ये है कि एक बुक नहीं है, दूसरी चीज कि हर किताब के अंदर मिस्टेक्स हैं। सही, आप कोई भी किताब मार्केट में जाके किसी भी बंदे की ले लें, सब ने इंटरनेट से कॉपी पेस्ट किया होगा। तो अगर आपने कॉपी पेस्ट लेना ही है तो किसी का भी ले लें, उसमें मैं कौन सा किसी एक ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करता फिरूं, ठीक है। आप किसी का भी ले लें, जब उन्होंने इंटरनेट से कॉपी पेस्ट किया होगा और है भी उसमें गलत है तो फिर आप कोई भी पकड़ लें, करना ही है आपने। कारवान वाले भी हैं, डोगर वाले भी हैं, वर्ल्ड टाइम्स वालों की भी आ गई हैं, काफ़ी पब्लिशर हैं, लेकिन सबका कॉपी पेस्ट है, सब ने इंटरनेट से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, और ऐसा कोई भी पब्लिशर नहीं है कि जिसके अंदर मिस्टेक्स नहीं है, सबके अंदर मिस्टेक्स हैं। इम्तियाज शायद के अंदर स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं उसको भी करके, उसके अंदर भी मिस्टेक्स हैं और कई मिस्टेक्स हैं जी। तो महनूर आपका क्या क्वेश्चन है? नहीं सर मैंने पूछ लिया पहले जी। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं एंड करता हूँ, तो आज का सेशन यहाँ जी। वालेकुम सलाम सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो जॉब आई हुई है उसका सेशन कब तक चलेगा अगर मैं पे करूं तो? देखें उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो एग्रीकल्चर का 80 मार्क्स का जो पोर्शन है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, उसमें कोई क्लासेस नहीं, उसमें डिस्कशन बेस सेशन हुआ करेगा डेली। एक दिन एग्रोनॉमी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, एक दिन हॉर्टिकल्चर के ऊपर करेंगे, एक दिन किसी और मेजर के ऊपर, ठीक है। जो ये सब्जेक्ट जो ये सेशन है ये जनरल नॉलेज का है, इसका उस ये है कि इससे आपको उसमें हेल्प मिलेगी एग्रीकल्चर के पेपर में भी, और इससे आपके दूसरे पेपर में भी आपको हेल्प आउट होगा, ठीक है। ठीक है सर जी, शुक्रिया जी, ठीक है।
और किसी का भी क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं एंड करता हूँ। कोई और क्वेश्चन है किसी का तो काइंडली बता दें। चलें जी ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों ने अटेंड किया आज का डेमो लेक्चर। तो जो लोग इंटरेस्टिंग है वो मुझे मैसेज कर दें, मुझे फेसबुक पेज के ऊपर या मुझे जो है वो आप व्हाट्सएप के ऊपर, बेहतर तो होगा व्हाट्सएप के ऊपर आप बैंक अकाउंट नंबर ले लें और जो लोग इंटरेस्टिंग हैं ठीक है। बाकी किसी को कोई इशू है पेपर्स का फाइनल्स का वो भी डिस्कस कर सकता है, उसको मैं बाद में कवर करवा दूंगा ठीक है, उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, उसके फाइनल्स के बाद उसका कवर हो जाएगा जो उसका मिस हुआ होगा। लेकिन ये शर्त है कि आपने पहले मुझे इन्फॉर्म करना है कि कब से लेके कब तक आपके फाइनल्स हैं ठीक है, और कब से लेके कब तक आप जो है वो बिजी हैं, ताकि उसके हिसाब से मैं जो है वो उसको अरेंज करूँ। तो थैंक यू सो मच, ओके, अल्लाह हाफिज़।